हालात इतने खराब हैं कि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष हम देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या में भी कटौती हो रही है, कम हो रही है, और साथ ही जो पढ़ाई का स्तर है वो भी गिरता जा रहा है। तो सुधारीकरण की दृष्टि से जो कदम माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जो उठाया गया, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि जब सुधारीकरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो उसका विरोध भी साथ साथ शुरू होता है। अगर मैं अपने लाहौल स्पीति जिला के संदर्भ में बात करूं तो ये सभी से, किसी से भी ये अछूता नहीं है, सभी इसको जानते सर विदित है कि हमारा जिला अन्य जिलों की भांति बिल्कुल भिन्न है। सर्दियों में जो बिल्कुल स्नो बर्फ पड़ने की वजह से पूरे देश दुनिया से जो कट जाता है, हालांकि अटल टनल रोहतांग के बाद 2020 के बाद अब हम देश दुनिया से 12 महीनों जुड़े रहते हैं, परंतु जो सर्दियों की हमारी कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, वो अभी भी कम नहीं हुई है। जो सर्दियों में सड़कें बंद हो जाती, लिंक रोड्स बंद हो जाते, उनको खुलने में काफ़ी समय लगता है, और हमारे जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ऐसे ऐसे जगह बनाए गए हैं जहाँ पे कई बार रोड खुलने में भी कई महीनों का समय लग जाता है। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि लाहौल स्पीति के संदर्भ में हमें इसमें रियायत देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सरकारी स्कूल पे कौन बच्चे निर्भर हैं। जो पहले का चलन था आज भी वही है। संपन्न जो परिवार है वो अपने बच्चों को बाहर कहीं भी पढ़ा लेता है, चाहे वो, अगर लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति के बच्चे दिल्ली भी पढ़ रहे, चंडीगढ़ में भी पढ़ रहे, शिमला, सोलन, हर जगह पढ़ रहे हैं। पर जो गरीब वर्ग, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, वो आज भी सरकारी स्कूलों पर निर्भर है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। और खासकर जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं आर्टिकल 21A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, तो हमारे लाहौल स्पीति में कई ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी से हो, तो वहाँ उनके बच्चे भी हमारे स्कूलों में पढ़ते, ये भी मैंने देखा है, और सीजनल उनको पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से जब राइट टू एजुकेशन, तो मुझे लगता है सबको पढ़ने लिखने का जो अधिकार है वो एक तरह से, मेरा निवेदन ये है कि इसमें थोड़ा सा इसको रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार किया जाए लाहौल स्पीति की दृष्टि से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो सरकार का जो उद्देश्य है ये, हालांकि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का जो उद्देश्य है, कई ऐसे स्कूल हमारे जिला से भी इसमें नोटिफाई हुए, परंतु जब तक ये पूर्ण तौर से विकसित नहीं होते, सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल से लेकर हर तरह के, जो एक बच्चे को ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर के तौर पर उसको विकसित करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, जब तक वो चीज़ें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नहीं आ जाती, तब तक मुझे लगता है इसमें रियायत देने की आवश्यकता है। क्योंकि सर, अभी भी लड़कियों के बारे में मैं देखती हूँ सर, समाज का जो सोच है काफ़ी हद तक बदला नहीं है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी बच्चों को, खासकर लड़कियों को, स्कूल इसलिए भेजते हैं नज़दीक में, इस शर्त पे कि उनका जो स्कूल है वो घर से नज़दीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी मुझे सोचने की, मुझे लगता है सर, सोचने की आवश्यकता है। और ख़ासकर जो ये क्राइटेरिया 2 या 3 किलोमीटर का रखा गया है, हमारा जो सर्दियों में जो क्षेत्र है, जो हमारा ज़िला है, जो हिमसंखलन प्रभावी क्षेत्र है, और स्नो बर्फ पड़ने की वजह से लगभग आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो 2 किलोमीटर बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी लगता है कि लाहौल स्पीति के अलावा अन्य जिलों में भी इस तरह की हालात हैं, जहाँ पे रोड नहीं बने हैं या जहाँ पे नाले हैं, नदियाँ हैं, तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ अन्य ज़िलों में भी हैं। और एक दो और लूप होल्स की मैं इसमें बात करना चाहूँगी, जो मतलब ग्राउंड स्तर पर हुए, जहाँ पर एनरोलमेंट की बात आती है, जो डेटा ग्राउंड, जो डेटा स्कूलों से आया है, डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे आया है या बीओ लेवल्स पे आया है, उसमें भी कई तरह की खामियां हैं। इसमें जो डेटा है वो सही नहीं है, इसमें लोगों की आशंकाएं भी आई, और मैंने खुद भी इसमें क्रॉस चेक किया है, कई जगह डेटा में ऊपर, कई जगह जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, जहां बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहां कम दर्शाया गया है, जहां मतलब इस तरह की इसमें खामियां हैं। तो मुझे लगता है इसे भी रिव्यू या दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारे प्री प्राइमरी और प्री नर्सरी में जो बच्चे होते हैं, उनको एनरोलमेंट में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि स्कूलों में, प्री नर्सरी में हमारे काफ़ी बच्चे हैं। हमारे कई स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी में है। यदि उनको एनरोलमेंट में शामिल किया जाता है, खासकर हमारे जनजातीय जिला में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने भी प्री प्राइमरी से नर्सरी या प्राइमरी में ही जाना है, तो अगर उनको शामिल किया जाता है तो भी हमारे स्कूलों में मुझे लगता है स्थिति सुधर सकती है। तो मेरा बस यही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से रहेगा कि जो भी हमारे खासकर ट्राइबल जिला में इन परिस्थितियों को मद्देनज़र जो भी ये नोटिफाई या डीनोटिफाई किए गए हैं, इसको फिर से रिव्यू किया जाए, और जो हमारे स्कूल हैं इसको अगर एक्सीलेंस जो हमारे स्कूल नोटिफाई किए गए, अगर उसमें पूरी तौर से जो भी फैसिलिटीज़ है, अगर वो हॉस्टल से लेकर सर सभी तरह की फैसिलिटीज़ उसमें आ जाती है, तब अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते, तब तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, पर तब तक मुझे लगता है इसमें रियायत देने की आवश्यकता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा सर आपके माध्यम से कि इसमें लाहौल स्पीति के पर्सपेक्टिव से इस पर थोड़ा पुनर्विचार किया जाए, और जो स्कूल